वैक्सीन जलंधर तक पहुंचती है उसके बारे में? साढ़े को अज जी वैक्सीन आ 16,490 डोज जड़ियाँ प्राप्त होनगियां, तो उन्होंने 14,800 जी वैक्सीन है वो साढ़े जोड़े सरकारी प्राइवेट जोड़े मुलाजम है उन्होंने लगा लाई जाऊगी। तो यदि जी डोज है 0.5 ml डोज है, 10 ml 5 ml की इंट्रामस्कुलर लगेगी, तो सैकेंड डोज जी उस 28 दिन बाद लाई जाऊगी। तो इंजैक्शन लाने तो बाद उन्होंने अद्धा घंटा ऑब्जर्व रखा जाऊगा, तो उस तो बाद पेपर ही भेज दिया जाऊगा। डॉक्टर साहब गल करिए कि यार ये प्राइस है, कोई प्राइस रेट रखे गया जां फ्री सिविल हॉस्पिटल? ये बिल्कुल मुफ्त है, तेरा सारे लाभ लेना चाहिए, तो इस महामारी तो बचना चाहिए। डॉक्टर साहब गल करिए कई डर रहे हैं वैक्सीन तो सानू एलर्जी ना हो जाए, कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए? इस तरह की कोई गल नहीं, सारिया वहम है, इन्हों तो गलत फहमियों तो बचना चाहिए, तो वो तो ला के तो महामारी को बचना चाहिए। तो डॉक्टर साहब गल करिए कि स्टाफ की पहले वैलुएशन की गई थी, उस तो बाद पता लग रहा है कि स्टाफ है? उस तो बाद पड़ावार सारे ने 50 साल तो उपर जे उन्होंने लाई जाऊगी, फिर जिस तरह उस तो 50 साल तो थले जिस तरह लगती होगी उस तरह सैकेंड डोज गह 28 दिन में लगती जाऊगी, तो मैं 2-3 महीने अभी कंप्लीट कर देंगे। हक ते सच दी खबर ले लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।